रास्ते थे, वहीं चलते हैं। लोगों ने कहा वहां पानी नहीं रहा, सूख गया है। तो मेरे मन में जिज्ञासा आई कि 12 वर्ष तक हमने वहां का मीठा पानी पिया था, बहुत सुस्वादु पानी था और लोग स्वस्थ थे। मैंने 12 वर्ष तक किसी व्यक्ति को उस गांव में बीमार होते हुए नहीं देखा, आखिर क्या कारण है? तो मैं गया, सचमुच जो पानी का टैंक बना था सब टूट चुका था, नष्ट हो चुका था। मुझे बहुत अंतःकरण से पीड़ा भी हुई कि वास्तव में ये सारी चीजें कैसे खिलवाड़ हम लोगों ने किया। मेरी नजर पड़ी आसपास पेड़ थे, कुछ पेड़ थे, एक और जामुन का एक बड़ा पेड़ था, यानी स्रोत के ठीक ऊपर बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था, उसके ऊपर पीपल का एक पेड़ उसके आगे और था, दूसरी तरफ गुलर का एक पेड़ हुआ करता था। हम लोग बरसात में जामुन भी खाते थे, स्नान भी करते थे, पानी भी पीते थे, गुलर भी मीठा होता था, उसको खाने के लिए भी जाते थे। लेकिन मैंने देखा कि गुलर भी काट दिया गया था, जामुन भी काट दिया गया था, पीपल भी नष्ट हो गया था, और ये सभी नष्ट होने के साथ ही जल का स्रोत भी बंद हो गया था। और फिर इस बार जब मेरी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत हो रही थी, मैंने कहा भी उस गांव में, उन्होंने कहा साहब इस बार हम उस गांव में पानी टैंकर से पहुंचा रहे हैं, यानी टैंकर, जहां पाइप पेयजल की योजना भी फेल हो चुकी है, अब नदी का पानी टैंकर के माध्यम से पहुंचाने की कार्रवाई चल रही है। हम किस हद तक प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, हमें इसके बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। प्रकृति के साथ जितना बेहतर समन्वय हमारा होगा, न केवल मनुष्य का, न केवल जीव सृष्टि का, अभी तो जलवायु परिवर्तन के साथ ही जो हम सबके सामने आसन्न संकट हैं, इन सब संकटों से उभरने के लिए हम सबके लिए सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है कि हम प्रकृति के साथ समन्वय बनाते हुए इस अभियान को आगे बढ़ा सकें, और इसमें हरेक क्षेत्र के विशेषज्ञों की अपनी अपनी भूमिका होगी। तकनीकी विशेषज्ञ तकनीक को सस्ता करें, सरल करें, आम जन के लिए उपयोगी हो सके इस दृष्टि से भी करें। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विकास के कार्यों में बाधक बनने की बजाय एक ऐसा रास्ता तलाशने का कार्य करें जो विकास को बाधित भी ना करें, लेकिन साथ साथ उन सब के साथ मिलकर के प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए और इसके स्वास्थ्य को समृद्ध बनाए रखने के लिए यह भी अपना योगदान दे सकें, इस पर भी आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है। और साथ साथ स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका जागरूकता के कार्यक्रम की से बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, आम जन को जागरूक करना। हमने प्रकृति की पूजा वैसे ही नहीं की, हमारे यहां तो जितने भी ग्रंथ हैं, रामायण ग्रंथ क्या बात की प्रेरणा देता है, प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने का। भाई वह किस कोई भी जीव जंतु हो, प्रकृति के साथ हमारे जितने भी गुरुकुल थे, ऋषि आश्रम थे, ये सब तो जंगलों के बीच में थे, यानी जंगल के बीच में मतलब शोध के, ज्ञान विज्ञान के जो महत्वपूर्ण केंद्र थे वह प्रकृति के संसर्ग में ही हमें प्राप्त हो सकते थे, वहीं प्राप्त हो सकते थे। कोई ऐसा जीव है जिसने रामायण के उस कालखंड में, रामायण के उस पूरे अभियान में, जिसका सहयोग भगवान राम के उस अभियान में राम राज्य की स्थापना के लिए न प्राप्त हुआ हो? हम उन भावों को समझने का प्रयास करें। हो सकता है एक धार्मिक स्वरूप उसे दिया गया हो संरक्षण की दृष्टि से, आस्था की दृष्टि से, लेकिन मुख्य रूप से प्रकृति के साथ बेहतर समन्वय की दृष्टि से इनकी बड़ी भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आज यहां पर जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जो कार्यक्रम IIT कानपुर और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड के द्वारा यहां पर आयोजित हो रहा है, और देश के विभिन्न राज्यों से इस क्षेत्र के जितने भी हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्षगण हैं, मेंबर सेक्रेटरीज हैं, और साथ ही साथ तकनीकी विशेषज्ञ हैं, वे सभी इस अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप सब मिलकर के किसी एक ठोस रणनीति को लेकर के आगे बढ़ेंगे, इसको एक औपचारिकता न करके जो चीजें यहां पर तय हों हरेक राज्य में उसे लागू करने की तैयारी हो, प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी हो, समाज के हरेक व्यक्ति की जवाबदेही भी तय करने की तैयारी होनी चाहिए, जिले स्तर पर और भी निचले स्तर पर। क्यों नहीं हम किसानों के साथ बैठ सकते हैं, क्यों नहीं हम समाज के विभिन्न तबकों के साथ बैठ सकते हैं, क्यों नहीं हम अपने ग्राम पंचायतों के साथ बैठ सकते हैं, नगर निकायों के साथ बैठ करके किसी के ठोस निष्कर्ष पे क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? पहुंचा जा सकता है, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा।
इन सब चीजों को हम इस प्रकार की वर्कशॉप तक सीमित न रख करके, बल्कि उन लोगों तक जिनकी बड़ी भूमिका हो सकती है इन सब कार्यों को सही दिशा में ले जाने के लिए, उन सबको भी जोड़ पाएंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। इस पूरी कार्यशाला के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो प्रकृति से जुड़ने का, सस्ती तकनीक बनाने का और विकास को न रोकने का जो इतना अच्छा मार्गदर्शन इसमें आपने किया है, उसके लिए मैं मानती हूँ कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं सब उसी दिशा में कदम उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। और अब मैं माननीय राज्य मंत्री पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन उत्तर प्रदेश श्री खुशखबरी, खुशखबरी, उत्तर प्रदेश में पहली बार वाहन स्वामियों को 24 घंटे रिपेयरिंग की सुविधा, वाहन खराब होने पर कुशल कारीगर कहीं भी कभी